अब तक आपने देखा कि जिम्मेदार वाकई कितने जिम्मेदार हैं, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं उन बच्चों को जिनके भविष्य पर सरेआम डाका डाल दिया गया। सुनिए उनका दर्द और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या वाकई अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता है। इस तस्वीर को जरा तफसील से देखिए। सामने खड़ी हैं बच्चियां जो ढूंढ रही हैं जवाबदेह को, तो पीछे चस्पा है एक पोस्टर जिस पर लिखा है 12वीं के बाद क्या। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12वीं के बाद क्या की चिंता तब होगी जब 12वीं हो जाएगी, क्योंकि बुधवार करीब दोपहर 1 बजे जो खबर आई उसने आगरा से लेकर आजमगढ़ और बलिया से लेकर बदायूं तक हाहाकार मचा दिया। खबर ये कि यूपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसका पेपर था और वो पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट पेपर में बताया जाएगा कि कब डेट आएगी। क्या हुआ, कहां से हुआ ये पता नहीं, टीचरों ने नहीं बताया अभी। आए हम इंग्लिश के पेपर की तैयारी करके आए थे, पेपर लीक हो गया है और ऐसे ऐसे स्कूल में पेपर नहीं हुआ है, पूरी तैयारी करके आए थे, इस वजह से स्कूल वालों ने मना कर दिया कि आप पेपर बाद में हो। उत्तर प्रदेश में जिस खबर ने हड़कंप मचा दिया वो बलिया की गलियों से ही निकली थी कि परीक्षा को मजाक बना दिया गया है। बलिया से ही पेपर लीक होने की खबर निकल कर सामने आई है। इंग्लिश की पेपर देने आए थे, जो कि आज सेंटर पे आके पता चला कि पेपर निरस्त हो चुका है और हमारी रात भर की मेहनत आज विफल हो गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज की पेपर निरस्त हो गई। अम्बेडकर नगर में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। सेंटर के बाहर खड़े थे छात्र छात्राएं और निगाहें थी सवाली कि बताए तो कोई हुजूर, आखिर गलती किसकी है। ये जो बहुत दुखद बात है, ये जो आज हुआ है ये बलिया में हुआ था, लेकिन अब उसके वजह से जो है ये जनपद में भी अम्बेडकर नगर में भी जो है इसको रद्द कर दिया गया है पेपर को। बाकी सभी पेपर उसी समय पर होंगी, सिर्फ इसी पेपर को अभी सरकार जो है इसको सारणी देगी कि अगले ये पेपर कब। बागपत में भी पूरी तैयारी के साथ 12वीं के बच्चे पहुंचे थे अंग्रेजी का एग्जाम देने। सेंटर पर पहुंचे तो मां साहब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे व्यवस्था की विफल अवस्था की वो कहानी जो मानो उत्तर प्रदेश में एग्जाम का किस्मत बन गई। परीक्षा थी लेकिन अभी खबर देखी के पेपर लीक होगा, 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है सरकार ने, इस वजह से पेपर लीक होगा। हमें भी जानकारी नहीं है कि हमारे सेंटर पर पेपर होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में कोई सूचना मिला। विद्यार्थी सब ऐसे ही खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि पेपर होएगा या नहीं। शहर दर शहर बदल रहे, जिले दर जिले बदल रहे, लेकिन एक सफेद खर्रा है जो उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के सेंटर की दीवार पर चस्पा है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा निरस्त की जाती है। के लिए आए थे अलीगंज के पास नबुआपुर से, यानी कि वहाँ से 15 किलोमीटर भाग के आए हैं और पेपर लीक हो गया। मेरा यहाँ से जाना है, जिसने पेपर यानी कि लीक करवाया उसे सख्त कार्रवाई की। गाजियाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही थे, सेंटर के दरवाजे बंद और बाहर छात्र छात्राएं। गलत है ये तो, क्योंकि अब सब अपनी मर्जी से करता है सब कुछ जो कर रहे हैं वो लोग, ये तो बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी मेहनत का फल होता है वो लोग जो करना चाह रहे हैं। जी हमारे कहना है, हमने सब बच्चों ने सब स्टूडेंट्स ने जो है रात रात भर जाग कर पढ़ाई की, हमारी इतनी मेहनत की, और जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि पेपर रद्द हो गया है। गोंडा में स्कूल का गलियारा बच्चों से भरा पड़ा था और आंखों में कई सवाल कि बताइए हुजूर क्या है गुनाह हमारा। PGIC सेंटर पे अपना एग्जाम देने आई थी, परीक्षा रद्द हो गई, उस कारण हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। इतनी दूर से हम लोग परीक्षा देने आए थे, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। शामली में भी बच्चियां तपती दोपहरी में सेंटर तक पहुंची, लेकिन गेट बंद और खबर ये कि आपका एग्जाम रद्द किया जाता है। ना चाहेंगे, क्या आपको सूचना मिल गई? हाँ सूचना मिल गई। क्या बताया गया? कहा गया है आज परीक्षा रद्द हो गई है, आज की परीक्षा। सीतापुर में भी जब एग्जाम रद्द होने की सूचना पहुंची तो हड़कंप मच गया। ये कोई पहला बरस नहीं है जब व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, इससे पहले भी सवाल उठे, जांच के आदेश हुए, लेकिन जांच और कार्रवाई का कितना असर हुआ है 12वीं के अंग्रेजी के लीक हुए पेपर मामले से देखा और समझा जा सकता है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर डाका डालने का काम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।